फिलहाल यह सेमीफाइनल मुकाबला है, ये बाधा पार करना होगा, उसके अलावा भी एक बाधा और आएगी फाइनल की, तब कहीं जाके विजेता बनने का गौरव प्राप्त होगा। पहला रेड और बेहद ही शानदार टेकल जितेंद्र यादव ने शुरुआत करी और इस तरह से ये 1-0 की बढ़त विनोदा के लिए। जब विनोदा के खिलाड़ी दर्री के मैदान पर होते हैं तो एक नया जोश, एक नया उत्साह और एक नई उमंग के साथ खेलते हैं। अलेक पर काफी कुछ निर्भर रहेगा, मेन रेडर की भूमिका अदा करेंगे जबकि सुरेश और यह है अमित सिद्धार्थ, काफी सीनियर खिलाड़ी, काफी अनुभवी खिलाड़ी और अमित को भी इधर दबोचा गया है। अमित को भी टेकल करते हुए यहाँ पर नवाबार मांड के खिलाफ विनोदा के खिलाड़ी, शानदार शुरुआत विनोदा के लिए। क्या यहाँ पर अलेख एक और पॉइंट लेंगे या फिर विपक्षी टीम को मिलेगा? ओ यहाँ पर अलेख ने पॉइंट लिया, 3-0 की बढ़त, शुरुआती बढ़त, शानदार शुरुआत। लेकिन जब तक खिलाड़ी है नवापारामांड के खिलाड़ी, ये खिलाड़ी दम है इस खिलाड़ी में कि अपनी टीम के लिए वापसी कर पाए। एक और अंक तो इस तरह से 4-0 की बढ़त, बहुत ही बेहतरीन खेल नवापारा के खिलाफ विनोदा ने शुरुआत करी है। सुरेश रेडर टीम के कैप्टन, तीन खिलाड़ी सुपर टेकल का अवसर था लेकिन न तो रेडर ने रिस्क लिया न डिफेंडर ने, और इसी के साथ ये भी जुड़ गए हैं इस टीम से। पूरी ताकत झोंकते हुए दोनों ही दल के खिलाड़ी, लेकिन सफलता मिल रही है विनोदा की टीम को। अभी तक 4 अंक उन्होंने बना लिए हैं जबकि 0 पर नवापारामांड की टीम। तीन ही खिलाड़ी शेष हैं, सुपर टेकल का अवसर है। सुरेश डूअर डायरेक्ट करते हुए इस बार निश्चित रूप से रेडर के लिए दबाव भरा क्षण होता है। क्या यहां पर शुरुआत होगी और यदि होगी तो 2 अंक मिलेंगे, लेकिन सुरेश शानदार, उनका प्रयास सफल और यहां भी डूअर डाई बिल्कुल ऑल आउट की ओर जा रही है टीम। यहां पर क्या होगा इंतजार करेंगे। एक एक अंक दोनों टीमों को मिल, अंक देने का इशारा हुआ और इस तरह से नवापारामांड को ये पहला अंक मिला जबकि विनोदा को 6 अंक मिल चुके हैं। अरे बार सुपर टेकल क्या कामयाब होगा? नहीं, ऑल आउट हुई, ऑल आउट दे दिया है, उनके सारे उम्मीदों पर पानी फेरा है अब तक। और ये हैं गोविंद सिद्धार्थ, काफी उम्मीद इस खिलाड़ी से। बढ़िया मुकाबला जारी है, हालांकि अंकों के लिहाज से देखा जाए तो विनोदा 9 अंकों के अंतर से आगे है, पर नवापारामांड की टीम में मादा है कि वो इस अंक को कवर अप करें। गोविंद फिर से
और यहाँ पर दो अंक बनाने में कामयाब होते हुए गोविंद। सबसे बड़ी चुनौती गोविंद की तरफ से ही मिलेगी विनोदा की टीम को। आमिर सिदार राइट कॉर्नर पर, सुरेश पर दबाव बनाने का प्रयास। प्रतिभाशाली खिलाड़ी दोनों ही टीम में भरे हुए हैं। और यहाँ पर तो सुरेश का शानदार खेल, दो अंक प्राप्त करते हुए। बहुत ही शानदार प्रदर्शन अब तक विनोदा की ओर से देखने को मिले हैं। लेकिन गोविंद सिदार क्या अपनी टीम का नैया पार कर पाएंगे? अकेले चल रहे हैं और यहाँ बॉडी टर्न करते हुए दो अंकों का इशारा हुआ है और इन दो अंकों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा। फिर से यहाँ पर पॉइंट लूज किया, पॉइंट ये गोविंद लगातार ले रहे हैं लेकिन इधर से डिफेंस साइड से लूज किया जा रहा है, ये समस्या। अकेला गोविंद क्या करेगा यदि इस तरह से आप लोग पॉइंट लूज करेंगे तो? जबकि विनोदा की ओर से सुरेश और उनके साथी खिलाड़ी सामंजस्य पूर्वक खेलते हुए, बढ़िया प्रदर्शन अब तक। लगभग 3 मिनट का खेल अभी भी फर्स्ट हाफ का बाकी है, अभी भी हाथ से निकला नहीं है नवापारा मांड के लिए। अनुभव के खान अमित सिद्धार्थ जब तक मैदान पर हैं, कुछ भी उम्मीद की जा सकती है नवापारा मांड की टीम से। नौ पारामान की टीम ने ये टाइम आउट लिया है, समय लें तत्काल। आत्मा सिदार एंड गोपाल सिदार और यहाँ पर गोविंद सिदार मैदान पर रेडिंग का जलवा बिखेरते हुए अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हुए नौ पारामान की उम्मीदों का बोझ अपने कंधे पर लेकर चलते हुए। दर्री कबड्डी प्रतियोगिता में सिरमौर बनना निश्चित रूप से एक कठिन कार्य होता है, काफी संख्या में टीमें रहती हैं और वहाँ सर्वश्रेष्ठ टीम का खिताब हासिल करना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण होता है। क्या यहाँ पर नवापारामांड सेमीफाइनल के इस मुकाबले में विनोदा की टीम को पराजित कर पाएगी? बढ़िया टेकल इस बार राइट कॉर्नर से। राइट कॉर्नर पर ही सफलता और 6-13 का स्कोर है और यहाँ पर डू ऑर डाई रेड है। डू ऑर डाई पे बच के रहना होगा विनोदा के खिलाड़ियों को, सारा का सारा कार्य करना है यहाँ पर, कठिन कार्य करना है, वो सारा कार्य नवापारामांड के रेडर को करना है। आप लोगों को अपने आप को बचाना है और आखिरकार वो मौका आएगा लेकिन यहाँ पर गलती हुई फिर से विनोदा के खिलाड़ियों की ओर से। सुरेश को अपने टीम को संभालना होगा, खुद यदि उस प्रकार से अपने आप को नहीं संभालेंगे तो टीम को संभालना मुश्किल होगा और बहुत कुछ निर्भर करेगा सुरेश के खेल। और यहाँ पर मौके का फायदा उठाना चाहते थे नवापारामांड के खिलाड़ी लेकिन खुद फंस गए। हाफ टाइम की ओर अग्रसर है मुकाबला, विनोदा 14 पर नवापारामांड 7 पर। गोविंद फिर से जल्दी से ये टाइम बचाते हुए सब्स्टिट्यूट करते हुए देखते हैं रेडिंग के लिए कौन जाते हैं। इसको सब्स्टिट्यूट करके अंदर लाया गया है।
डू और डाई रेट के लिए इस खिलाड़ी को स्पेशली लाया गया है, क्या ये कमाल करेगा? पहले हाफ का खेल समाप्त हो चुका है लेकिन ये रेट पूरा होगा। डू और डाई पर यहाँ पर अंक निश्चित है किसी न किसी टीम को, और ये अमित सिद्धार्थ का टेकल कामयाब होता हुआ, और इसी के साथ ये मध्यांतर करते हैं ठाकुर देव मैदान पर। आप लोगों की गरिमामय उपस्थिति में ये पहले सेमीफाइनल का सेकेंड हाफ का पहला रेट शुभम द्वारा किया जा रहा है। बिनोंधा के लिए बिनोंधा की टीम 8 अंकों से बढ़त बना के रखी है। टाइम निकालना चाहेंगे वो, लेकिन गोविंद सिद्धार्थ नवपारा मांड के लिए सब कुछ झोंकना चाहेंगे, अनुभव ताकत कला जो भी उनके तर्कस में तीर हैं उन सब का प्रयोग करना चाहेंगे। ये खेल है जो अपनी टीम को कई बार चैंपियन भी बना चुका है। फिर से वही रेडर अभी भी 14-8 का स्कोर, सेकेंड हाफ में किसी टीम द्वारा कोई अंक बनाया नहीं गया है जबकि 1 मिनट से ऊपर का खेल पूरा हो चुका है सेकेंड हाफ का। दबाव निश्चित रूप से नौ पर मांड की टीम पर है और खास करके गोविंद पर। गोविंद यदि अपने टीम को यहां से निकाल के ले जाते हैं, जीत दिला देते हैं, तो निश्चित रूप से एक नामवर खिलाड़ी बन सकते हैं। बाया कार्नर संभाल रखा है जितेंद्र यादव ने, दाया कार्नर शुभम पटेल, और इस तरह से ये जोड़ी रोके हुए है अंक लेने से। डायरेक्ट पद्मलोचन निषाद द्वारा, पद्मलोचन निषाद दुआ डायरेक्ट करते हुए इनको अंक लेना आवश्यक है। जिस तरह से उनकी टीम पिछड़ रही है लेकिन ये अंक नहीं ले पाएंगे, जिस तरह से सारे के सारे खिलाड़ी एक साथ टूट पड़े। यहाँ से भी डू और डाई है और गोविंद से डू और डाई रेड में, जबकि सुपर टेकल का अवसर है। 3 मैन डिफेंडर हैं, गजेंद्र का ये शानदार डाई कामयाब होता हुआ। 7 पॉइंट का अंतर, 16-9 का स्कोर। अले ग्रेड करते हुए 6 खिलाड़ी हैं विपक्षी कोर्ट पर। निश्चित रूप से यहाँ पर बोनस अवेलेबल है लेकिन नव परमांड के खिलाड़ी बोनस तो लेने नहीं देना चाहेंगे। अमित सिद्धार्थ निर्देश देकर भेजते हुए अपने रीडर को, काफी अंदर घुसते हुए खिलाड़ी लेकिन ऐन वक्त का इंतजार करते हुए बिनोंधा के प्लेयर्स बहुत ही बड़ी उपलब्धि उनके नजर के सामने, और यहाँ पर शुभम ने काम कर दिया है राइट कार्नर पर। बहुत ही बढ़िया टेकल राइट कार्नर पर, और इस तरह से अंकों का अंतर 8 पर। हाफ टाइम तक जैसे कि 6 अंकों का अंतर था उसको बढ़ा लिया है बिनोंधा की टीम ने, 8 पर पहुंचा दिया है। अलेक टाइम निकालना चाहेंगे, जिस तरह से उनकी टीम आगे चल रही है और यहाँ पर नौ परमाण के खिलाड़ियों की ओर से प्रयास किया जाएगा जल्दी जल्दी अंक लेने। सुरेश वापस आ चुके हैं मैदान पर रेड करने के लिए, डुआ डायरेक्ट करते हुए। यहाँ पर एक मौका है, बोनस भी अवेलेबल नहीं है, टच पॉइंट ही निकालना होगा सुरेश को। सुरेश को एडवांस टेकल के लिए गए अमित, यहाँ पर चुपते हुए, और अब कहा जा सकता है कि धीरे धीरे नौ पर अमांड की उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। नवा परमांड की उम्मीदें छीन होती हुई नजर आ रही है, जिस तरह से
10 अंकों के अंतर से वो पिछड़ रहे हैं और विनोदा के खिलाड़ी निश्चित रूप से यहाँ पर शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ओ अपने आप को बचाया एन केन प्रकार, लेकिन वहां से वापस आना मुश्किल। फिर से एक ऑल आउट की ओर धकेल दिया है विनोदा की टीम ने सेकेंड हाफ में। 11 अंकों का अंतर बना दिया है, जहां 6 अंकों का अंतर था मध्यांतर तक, उसको 11 पर पहुंचाया। दो ही खिलाड़ी हैं, सुपर टेकलान है, नवा परमांड के नंबर 10 जर्सी पहने खिलाड़ी। यहाँ पर कोई करामात ही, कोई चमत्कार ही नव परमांड के लिए आवश्यकता है। चमत्कार ही उन्हें मैच में वापसी करा सकता है, अन्यथा मुश्किल होने वाला है, और वो चमत्कार हो नहीं रहा है। और यहाँ पर ऑल आउट 22-23-24 पर पहुंचा इसको। फिर से गोविंद सिद्धार्थ पर, फिर से रीडर आउट होते हुए अब हार मान ली है ऐसा लगता है। कंधे झुकते हुए नजर आ रहे हैं नवा परमांड के खिलाड़ियों के। और यहां पर फिर से अंक मिलेगा सुरेश को। गजेंद्र का इस बार निरर्थक प्रयास। अलेख हेरेडर लगातार अंक लेते हुए विनोदा के खिलाड़ी पूरी तरह से हावी हो चुके हैं नव परमांड की टीम पर। सुरेश रेड करते हुए टीम के कैप्टन हैं, और बॉडी टर्न करते हुए वापस आ गए हैं। दो अंक बनाते हुए 30 पर पहुंचाया स्कोर को। 30 के मुकाबले नौ परमान केवल 10 अंकों पर, 20 अंकों की बढ़त, और अब कहा जा सकता है कि हाथ से निकल चुका है नौ परमान की टीम के लिए ये मुकाबला। एक और अंक विनोदा की टीम को, शानदार खेल विनोदा के खिलाड़ियों की ओर से देखने को मिला है। घसेराम सिद्धार्थ जी क्या कहेंगे विनोदा के खिलाड़ियों के इस खेल के बारे में? जब शुरुआत में दोनों टीमें आई थी तो लग रहा था कि बराबरी का मुकाबला होगा, लेकिन विनोदा ने एक तरफा बना दिया, क्या कहेंगे? और मैं बताना चाहूंगा सर,